कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। मणिकरण घाटी के जरी पुलिस चौकी के अंतर्गत पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कोटाधार के समीप चेकिंग के दौरान एक वाहन से 1 किलो 695 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जिला कुल्लू के अंतर्गत जरी चौकी के कोटाधार में पुलिस की टीम ने नाकाबंदी की थी। वाहनों की चेकिंग के दौरान एक वाहन में बैठे 3 व्यक्तियों की जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 1 किलो 695 ग्राम चरस बरामद की गई। तीनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में वाहन को भी जब्त किया है। डीएसपी कुल्लू प्रियांक गुप्ता ने बताया कि मंगल घाटी के जरी पुलिस चौकी की टीम ने एक वाहन की चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों से 1 किलो 695 ग्राम चरस बरामद की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों व्यक्ति कुल्लू जिला के रहने वाले हैं। आज पीपी जो जरी है कुल्लू सदर थाने के अंडर, उन्होंने रेगुलर नाका लगाया हुआ था, तो इस नाके में जो एक गाड़ी जो है HP 34D 4317, उसमें 3 लोग सवार थे। इन 3 लोग जो है जिला कुल्लू के थे। इन 3 लोगों से 1 किलो 695 ग्राम चरस जो है वो बरामद हुई है। तो मामला वो 20 NDPS एक्ट में दर्ज किया गया है और अभी ये जो है अगला प्रोसेस जो है वो पुलिस रिमांड के लिए हम आगे प्रोसेस करेंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।